पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में 72 घंटे पहले हुई कारोबारी की हत्या में मुरादाबाद पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। स्पोर्ट्स कारोबारी की हत्या के खुलासे को लेकर परिजनों ने सड़कों पर उतर कर कैंडल मार्च निकाला था। परिजनों ने हाथों में मोमबत्तियां और कारोबारी का फोटो लेकर सड़कों पर चलते हुए पुलिस से जल्द खुलासे की मांग की थी। हालांकि पुलिस ने परिजनों को रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन परिजनों की जिद के आगे एक न चली और परिजनों ने जबरदस्ती कैंडल मार्च निकालकर कारोबारी को श्रद्धांजलि दी। दरअसल 72 घंटे पहले मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन्स क्षेत्र के VIP कॉलोनी में स्पोर्ट्स कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 72 घंटे बीतने के बाद भी मुरादाबाद पुलिस की पकड़ से आरोपी अभी भी दूर हैं। परिजनों ने हाथों में मोमबत्तियां और कारोबारी का फोटो लेकर कैंडल मार्च निकाला और जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की है। कुशांग जी मेरे ब्रदर इन लॉ थे और मैं बस ये चाहता हूँ कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो भी भरे बाजार में हुआ है। मार्केट है यहाँ का, बहुत बहुत बड़ी पॉश कॉलोनी है। इनके जो भी कातिल है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ये इंसिडेंट दोबारा भी हो सकता है, किसी भी परिवार के साथ हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कातिल ज़रूर पकड़े जाने चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए उनके खिलाफ। ये भीड़ देख के आपको अंदाज़ा लग रहा है कि कुशांग जी कैसे व्यक्ति थे। बहुत ही सोशल वर्कर थे, काफ़ी सारे सोशल काम करते थे और हर तरीके से जिसकी भी मदद करनी होती थी सोशली बहुत एक्टिव थे और हेल्प करते थे। उसके बाद भी ये जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है और हम चाहते हैं कि इसलिए हमने ये मार्च किया कि जिससे यू नो पुलिस को भी ये पता लगे कि कितने लोगों को उन्होंने हेल्प किया और सपोर्ट किया, उसके बाद भी उनके कातिल अभी तक नहीं पकड़े गए। मेरा नाम अनुज गुप्ता एडवोकेट, मैं व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हूँ। आज हम सभी लोग जो कुशांग के वेलविशर्स हैं, उसके परिवार के हितेशी हैं और जिनके साथ कभी ना कभी कुशांग का कोई संबंध रहा है या कुशांग ने उनकी कोई मदद करी है, हम सभी लोग आज एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं और हम लोगों ने आज एक श्रद्धांजलि सभा, प्रार्थना सभा हमने करी है आज कुशांग की आत्मा की शांति के लिए। उसके मित्र भी हैं, उसके परिवार के लोग भी हैं और सोसाइटी के लोग भी हैं और जो हमारा वैश्य जागरूक मंच है, जो वैश्य समाज का हमारा जो संगठन है, उनके लोग भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सभी ने मिलकर कुशांग की आत्मा की शांति के लिए आज प्रार्थना करी है। क्योंकि हम लोग परिवार से संपर्क कर सकते हैं तो परिवार ने बताया है कि वो लोग संतुष्ट हैं, पुलिस काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है इस मामले में और उम्मीद है कि जल्दी जल्द पुलिस इस मामले में खुलासा कर देगी और उसके हथियारों को, जो सही उसके हथियारे होंगे, उन्हें पुलिस उठा के जेल में डालेगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।